नमस्कार दोस्तों, आशा कार्यकर्ता से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आशा कार्यकर्ता को नया कार्य सौंपा गया है। आशा कार्यकर्ता को प्रतिदिन तैयार करनी होगी आभा आईडी। जी हाँ दोस्तों, आशा कार्यकर्ता को जो है ऊपर से जो है मतलब बोला भी गया है कि ये कार्य करने के लिए, कार्य क्या है और इस कार्य को आप कैसे करेंगे, इसकी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आशा कार्यकर्ता, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ निकल लेके आते रहते हैं। देखिए दोस्तों, CMO ने आशा कार्यकर्ताओं को जारी किए निर्देश, संवाद न्यूज एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर व्यक्ति की आभा आईडी बनाई जानी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। आशाओं को प्रतिदिन घर घर जाकर 100 लोगों की आभा आईडी तैयार करनी होगी। CMO ने इसके लिए पत्र जारी कर सभी आशाओं को सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर व्यक्ति की आभा आईडी बनाने का कार्य किया जाना है। इसके तहत 14 अंकों का एक नंबर जारी होगा। इस आईडी पर डॉक्टर की लिखी दवा और मर्ज के बारे में सारी जानकारी होगी, यानी मरीज के बारे में सारी जानकारी होगी। ये भविष्य में कभी भी देखी जा सकेगी। इसके तहत हर दिन 100 आभा आईडी आशा कार्यकर्ता को बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, CMO ने इसके लिए सभी चिकित्सा अधीक्षकों को पत्र लिखकर कहा है कि वे आशाओं के सहयोग से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आभा आईडी तैयार करना सुनिश्चित करें। CMO ने क्षेत्रीय ANM को निर्देश दिए हैं कि वे आशाओं के कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करें और रिपोर्ट CHC प्रभारी को उपलब्ध कराए। हर 15 दिन में होगी समीक्षा बैठक। जी हाँ दोस्तों, आभा आईडी अभियान की हर 15 दिन में एक समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में CMO शासन के मुख्य सचिव को बताएंगे कि उनके आभा आईडी कितने लोगों की बनाई जा चुकी है। सुबह CMO चिकित्सा अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। शाम को उन्होंने ऑनलाइन मुख्य सचिव शासन को इसकी जानकारी देनी होगी। लापरवाही आशाओं पर होगी कार्रवाई। CMO डॉक्टर अर्षी गुप्ता ने कहा कि सभी आशाएं आभा आईडी बनाने में सहयोग प्रदान करें, अभियान में खराब प्रगति पर संबंधित आशाओं पर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आशाओं को बोला भी गया है कि ये काम करने के लिए अगर कोई आशा कार्यकर्ता लापरवाही बरतती है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये आभा आईडी क्या है, तो ये मैं आपको बता दूँ, जो भी आशा कार्यकर्ता ये वीडियो देख रही हैं। आभा आईडी, जैसे कि आपने आयुष्मान देखा होगा, उसी प्रकार से एक आभा आईडी है। आभा आईडी जैसे कि आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड से ही आभा आईडी जनरेट होता है। अगर किसी का आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक है तो उनका OTP के थ्रू आभा आईडी बन जाता है। अगर किसी का लिंक नहीं है तो उनका फिंगर के जरिए आभा आईडी बनकर आता है। आभा आईडी, जैसे कि आभा आईडी की मैं आपको एक दो इमेज भी दिखा दूँ, आपने कहीं देखा भी होगा। आभा आईडी अगर आपको देखना है तो आभा कार्ड सर्च कर दीजिए गूगल पर। सर्च करने के बाद इमेज पर क्लिक कर दीजिए, मैं आपको दिखा दूँ। इस टाइप से जो है आपका ये आभा कार्ड बन करके आता है, जो कि आप कोई भी नागरिक बना सकता है। ओके, और इसको आयुष्मान हेल्थ कार्ड का भी नाम दिया गया है। ओके, तो ये जो नीला वाला है ना, ये है आपका आभा कार्ड, तो इसको आपको बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।